अस्सलाम वालेकुम मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है अहमदाबाद का स्ट्रीट फूड भुना तवा चिकन मसाला। तवे पर या रेस्टोरेंट में तो आपने इसे बहुत खाया होगा, लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और पास ही में बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी रेसिपी की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भुना चिकन मसाला बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। एक टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना। ये चिकन भुना मसाला मैं बिल्कुल होटलों में बनने वाला वैसा ही बता रही हूँ, आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब ढक्कन लगा के और कम से कम 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने एक पैन लिया, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। एक टीस्पून जीरा डालेंगे, जीरा अच्छे से तड़क गया है। ये हमने 2 प्याज लिए, इसको इस तरह से पतला पतला काट लिया, ऐड करेंगे। प्याज को हमें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च, गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दें, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिकन मसाला, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। स्लो गैस पे इसको 1 मिनट के लिए भून लेना है। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। नॉनवेज रेसिपी में अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, इसको हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। ये हमने 2 टमाटर लिए, इसको पीस लिया, ये ऐड करेंगे। 3-4 कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। इन सारे मसालों को हमें लगभग 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, क्योंकि ये भुना चिकन मसाला है और इसके अंदर भुनाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 2 टेबल स्पून जितना, और ढक्कन लगा के कम से कम 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है। ध्यान रखना आपका मसाला जलना नहीं चाहिए, गैस का फ्लेम एकदम स्लो ही रखें। चिकन मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं, मसाला अच्छे से भून गया, ये देखिए। स्लो गैस पे हम इसके अंदर 150 ग्राम दही ऐड करेंगे, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, दही को भी हमें अच्छे से भून लेना है। दही को तेल छोड़ने तक भूने, दही को भी हमने सारे मसालों के साथ 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे, चिकन को भी हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि इसके अंदर जो भी मसाले हैं उसका कच्चापन निकल जाए। अब आप गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर दें और चिकन को अच्छे से भून लें। चिकन को मसालों के साथ हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। अब हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। ढक्कन लगा के एकदम स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रखना हमें इसे भूनना है, बीच बीच में चेक करते रहें ताकि चिकन आपका जले नहीं, इसमें भूनना ही सबसे ज़्यादा महत्व की है, आप ये टिप ज़रूर फॉलो करें। चिकन को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं, हमने बीच बीच में इसको चेक करके हिलाया था, ये देखिए चिकन की जो बोटी है उसने हड्डी छोड़ दी है, इसका मतलब ये अच्छे से गल गया है। हमने जो प्याज डाली थी वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, सारे मसाले अच्छे से मिल गए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2-3 टेबलस्पून डालना है और ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, इसको हमें अच्छे से मिला लेना है।
10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब भी आप चिकन की या मटन की कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसकी बोटी अंदर से फीकी लगती है, यानी बोटी के अंदर मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते, क्योंकि आप इसे गरम गरम ही परोस लेते हैं। चिकन या मटन करी बनाने के बाद आप चिकन या मटन करी को कम से कम 10 मिनट के लिए इन मसालों के अंदर रख छोड़ें। इससे मसाले बोटी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बोटी फीकी नहीं लगेगी। आप एक बार ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करें। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, हमने भुना चिकन मसाला को सर्व करा है। दिखने में कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। और मैंने आपको जो टिप्स बताया था कि बोटी के अंदर भी मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, इससे चिकन की या मटन की जो भी बोटी है बिल्कुल भी फीके फीके नहीं लगेगी। चिकन भी कितना अच्छे से गला है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।